दोस्तों नमस्कार, मैं प्रभात बिहार से आप सबों का अपने चैनल जुगाड़ टेरेस गार्डन में स्वागत करता हूं। आप अपने सामने एक बकेट में कुछ पत्तियां देख रहे होंगे और इधर ये मिट्टी देख रहे होंगे। ये एक कटिंग है पौधे का, जो कि सुगंधित फूल होते हैं और कुछ लोग रात रानी, कुछ लोग बहुत सारे नामों से इसे बुलाते हैं, कुछ लोग इसको पारिजात या कुछ पता नहीं, मैंने बहुत तरह के मतलब नाम सुने हैं और मैं कंफ्यूज हूँ। खैर, आप इसे आप देख पा रहे होंगे तो इस पौधे का क्या नाम है, इसमें जो फ्लावर होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। मेरे पास पेड़ है, तो आप बताएंगे कि ये क्या, किस नाम से जाने जाते हैं। फिलहाल आज इसकी कटिंग लगाऊंगा मैं, या कोई भी इसकी हो या किसी भी हार्ड वुडी स्टेम के मतलब कटिंग आप लगाना चाह रहे हो, किसी भी सीजन में लगाना चाह रहे हो, सही तरीके से फास्ट कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप प्रॉपरली सही तरीके से सीख पाइएगा। और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ न कुछ अच्छी बातें आप सीख सकते हैं। मैं कोई सिखा नहीं रहा हूँ, मैं जो चीज़ जान रहा हूँ या जो चीज़ मैंने अपने लाइफ में कर रखी है पहले से, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अपने अनुभवों को साझा कर रहा हूँ। और हो सकता है मेरा ये अनुभव आपके लिए हेल्पफुल भी हो, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो नए बंधु हैं जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से कटिंग तैयार की जाती है। सबसे पहले ये एक स्टेम है आपके सामने, ये स्टेम को मैंने कल कट किया था और लगा नहीं पाया था तो पानी में डुबो कर रख दिया था। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसके पहले पत्तियों को, स्टॉक को, लीफ स्टॉक को कट कर देना है। लीफ स्टॉक को कट करने का पर्पस इसलिए क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लीफ स्टॉक होता है, आप अगर इसे कट करते हैं, ज़्यादा बड़ा कटिंग नहीं लगाऊंगा, इसे हटा रहा हूँ, तो लीफ स्टॉक जो होता है आपका यहाँ से भोजन लेता हुआ रहता है या जो भी है, एनर्जी खींचता है पौधे का, और इसको हटा देने से जो भी एनर्जी होता है वो कार्बोहाइड्रेट इस तने में स्टोर होता है और ये जल्दी से जल्दी ग्रो करता है। तो इसे नीचे का है जो पार्ट, ये देखिए नोड है यहाँ पे, यहाँ से हटाना है और तिरछा कट लगाना है। इस तरह से तिरछा कट लग गया है इसमें। अब इस कटिंग में, ये कटिंग है, इस कटिंग को लगाने से पहले एलोवेरा में डुबोना है इस तरह से जेल में। इसलिए डुबो दिया कि इसे पानी में मैंने रात भर, कल लगभग 24 घंटे पानी में छोड़ दिया था, और 24 घंटे पानी में रहकर फंगस लगने का डर होता है, तो इसे एलोवेरा से ट्रीट करके उसके बाद अपने जो पॉटिंग है उसमें मैं इसे इस तरह से सेट कर दूंगा। चलिए सेट हो चुका है, एक और लगा रहा हूँ। ये मोटा है, हल्का पतला वाला तना भी इसके साथ लगाऊंगा एक, ताकि देखेंगे मोटा और पतला दोनों में से पहले कौन जर्मिनेट हुआ, किसमें शूटिंग्स निकली, ये भी जानने की चीज़ें हैं। इसे भी एलोवेरा के साथ ट्रीट करूंगा और इसे भी इसके दूसरे कॉर्नर में लगा दिया गया। चलिए ये दोनों लग चुका है। अब अगला स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको जानने की बहुत जरूरत है। ये अगर आप जान जाएंगे तो किसी भी कटिंग को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वो स्टेप ये है कि इसके लिए पॉली हाउस हमें बनाना है, या तो पॉली हाउस बना दे, नहीं तो एक सिंपल सा तरीका है, पतली सी पेप्सी की पन्नी आती है लंबी सी, उससे इसे ढक कर कवर कर दे। तो वो खैर आपको ख़रीदना पड़ेगा, जो कि कॉस्ट आपकी आपका बढ़ाएगा, और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ने से एक आम आदमी का गार्डन के प्रति जो होता है वो क्या कहें,
इंटरेस्ट कम होने लगता है, क्योंकि आदमी खुद बहुत व्यस्त है और कहाँ जाएगा फिर वो कवर ख़रीदने के लिए, पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। खैर पैसे तो छोड़ दीजिए, 5-10 ऐसे भी खर्च होते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा समय होता है लोगों का जो घर में ऐसी आसान चीज़ें। मेरा चैनल ही है जुगाड़ टेरेस गार्डन, मैंने इस चैनल को शुरू किया था और मेरा मोटो भी यही था कि लोगों को कहीं ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए भाग दौड़ नहीं करना पड़े, उनके पास जो संसाधन उपलब्ध है उसी में उस चीज़ को आप आसानी से कर सके। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये कांजी स्वीट्स आप देख पा रहे होंगे, मिठाई का डब्बा है, इसमें मिट्टी भरी हमने और ये कटिंग लगा डाला आपके सामने। अब कोई खर्च नहीं करते हुए इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट पे, ये जो पॉलीथीन होता है जो बाज़ार से आप लाते हैं सब्जी वगैरह, इसे फेंक देने से अच्छा है कि इसका यूज करें, रीयूज करें, बार बार करें। तो साथियों अभी आप देखिए, देखेंगे कि किस तरह से मैं इसे यूज करता हूँ। इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, इस तरह से, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, एक इलास्टिक लेके, एक प्लास्टिक लेके उसी से कर दिया। देखिए ये आपके सामने तैयार है, ये पॉली हाउस तैयार है इस कटिंग के लिए। ऐसा सक्सेसफुल भी हुआ है, ये मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, अभी नया बैच है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है, और ये सक्सेसफुल बैच भी मेरे पास है जो कि सक्सेस कर चुका है, वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पहले से लगा हुआ है और ये सक्सेसफुल है, ये अभी इसमें से पन्नी हटा के डब्बा लगा दिया गया है, ये जर्मिनेट हो चुका है, इसे अभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ये नया है, इसके अंदर भी शूटिंग्स आ गई हैं लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ, बस दिखाने का मेरा मोटो है कि ये सफल होता है और एक भी कटिंग आपकी डेड नहीं होती है, सभी लग जा रहे करते हैं। एक कटिंग मैं खुले में भी लगाया हूँ ताकि आपको बता सकूँ, खुला में लगाया हुआ एक कटिंग और वो दोनों कटिंग में कौन पहले ग्रो करता है।